कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हर बीमारी और हर परेशानी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मेरे पास जो रेसिपी है ये भी बहुत मज़े की रेसिपी है, और इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत झटपट बन जाती है और बहुत मज़े की बनती है। जब आपको बनाने को कुछ भी समझ में ना आ रहा हो कि क्या बनाया जाए, तो इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, यहाँ मेरे पास ये आलू है, 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जिन्हें इस तरीके से कट कर लिया है, बारीक कट किया है। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिन्हें इस तरह से चॉप कर लिया है। ऑयल चाहिए होगा। 4 एग्स हैं। 2 मीडियम साइज़ के अनियन हैं जिन्हें इस तरह से चॉप कर लिया है। 1/2 टी स्पून टर्मेरिक पाउडर है। 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम है रेड चिल्ली पाउडर। 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर है, इसको इस तरीके से ये कुटा हुआ है, ठीक है, धनिया, और इसको बारीक सामने कूट लेना है। ज़ीरा है 1/2 टीस्पून। कसूरी मेथी 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। और ये ग्रीन अनियंस हैं, इतने मेरे पास हैं इस क्वांटिटी में। इसमें साथ ही मैंने ग्रीन चिलीज भी ऐड कर दी हैं, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं इसमें। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, दैट्स इट। सबसे पहले एक पैन में ऑयल डालेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जितनी ज़रूरत हो थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल हीट अप होगा तो फिर इसमें प्याज ऐड करेंगे। ऑयल थोड़ा सा हीट अप हो गया है, अब हम इसमें अपना प्याज डाल लेते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसे फ्राई करेंगे। प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो रहा है, अब इस पॉइंट पे हम इसमें अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देते हैं, इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट और अनियन अच्छे से फ्राई हो रहा है। ये देखिए यहाँ हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। बस इसी पॉइंट पे अब यहाँ मेरे पास ये टमाटर है, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए साथ ही यहाँ मेरे पास सफेद जीरा है, ये मैं ऐड कर दूंगी और इसको भी साथ में फ्राई कर लेंगे। टमाटर, जीरा, ये सब चीजों को अच्छे से फ्राई करना है। इस तरीके से हम मैश भी करते जाएंगे टमाटर को। अब हम इसमें बाकी के जो स्पाइसेस हैं वो हम ऐड करते हैं। अब ये यहाँ मेरे पास रेड चिली पाउडर और टर्मेरिक पाउडर ऐड कर देते हैं, फ्राई करेंगे। नमक ऐड करेंगे, अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले लेंगे हम, ठीक है। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने डाला है, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। साथ ही यहाँ मेरे पास ये कुटा हुआ सूखा धनिया है, ये पाउडर नहीं है, कुटा हुआ, देखिए बारीक मैंने कुटा हुआ है, इससे बहुत अच्छी स्मेल बन जाती है, ये मैं ऐड कर रही हूँ। और इसे भी हम साथ में फ्राई कर लेंगे। इसे बहुत मोटा मोटा भी नहीं कूटना, थोड़ा बारीक सा ऐसे कूटा है, ठीक है, और बिल्कुल पाउडर फॉर्म में भी नहीं है। इस तरीके से मैश करते जाएंगे सारे मसाले को, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो रहा है और बहुत अच्छी एक स्मेल आना शुरू हो गई है। इस तरीके से हमने कर लेना है। अब यहाँ मेरे पास ये आलू है, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। और इसे भी फ्राई करेंगे। देखिए आलू हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए। अच्छा, जहन में रखिएगा, अभी हमने इसमें गरम मसाला पाउडर और कसूरी मेथी ऐड नहीं किए, सही है, बाकी चीज़ें हमने डाल दी हैं। बहुत अच्छे फ्राई करने हैं आलू। ये देखिए फ्राई हो गया हमारे। आप इस पॉइंट पे यहाँ मेरे पास ये 1 कप पानी है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी, बस इतना ही पानी डालेंगे और लिड लगा के आलू के गल जाने तक इसे पकाएंगे। लिड लगा के रख देंगे, फ्लेम हमने मीडियम रखा हुआ है। तकरीबन 5 मिनट हो गए, अब हम चेक कर लेते हैं,
ठीक है, हम देख लेते हैं। और इसमें अपने अंडे हैं, ये देखिए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हमने इसे पकाया था लिड लगा के, आलू हमारे गल चुके हैं। अब इस पॉइंट पे यहाँ मेरे पास जो अंडे हैं इसे हम ऐड करेंगे। हम अंडों को तोड़ के हल्का सा फेंट लिए, इसमें डाल देते हैं। और इसे फ्राई करते हैं। अंडे डाले हमने, साथ ही हमारे पास कसूरी मेथी है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये मैं अंडों में ज़रूर थोड़ी सी डालती हूँ क्योंकि अंडे की स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है ना, तो इसके लिए ये मैं थोड़ा सा ऐड करती हूँ, इससे स्मेल वगैरह चली जाती है। और थोड़ा सा गरम मसाला यहाँ डालेंगे, हाफ अभी डालेंगे और हाफ हम बचा लेते हैं। तरीके से करके अंडों को हम थोड़ा सा फ्राई करना है। कसूरी मेथी का ऐड करने से बहुत अच्छी से अब स्मेल आ रही है, थोड़ा फ्राई करेंगे इन्हें। ये देखिए यहाँ हमारे अंडे अच्छे से फ्राई हो गए। अंडों को हमने पहले बहुत अच्छा फ्राई करना है, जब इनका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए, देन अब मैं इसमें यहाँ थोड़ा सा पानी है, तकरीबन ये हाफ कप है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, बस इतना ही डालेंगे हम ना, और इसे थोड़ा सा पकाएंगे। अगर आप ग्रेवी थोड़ी सी रखना चाहते हैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर लीजिए। अब यहाँ साथ ही ये मेरे पास हरा प्याज है, हरी मिर्चों के बगैर तो अंडे की सब्जी बनती नहीं है, तो इसमें हरी मिर्चें मैंने ऐड की हुई हैं, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं वो भी इसमें डाली हुई। ये दोनों चीज़ें हम एक साथ इसमें डाल लेते हैं। आप इस रेसिपी को इस हरे प्याज के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की है जो फ्लेवर बनता है, और इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, मुझे बहुत पसंद है ये। ऐसे मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ मेरे पास एक गरम मसाला पाउडर है, ये इसमें ऐड कर देंगे। और फ्लेम मैंने कम कर दिया है, अब इसे लिड लगा के 2 मिनट रखते हैं। तकरीबन 2 मिनट हो गए, हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी आलू अंडे की सब्जी रेडी है, इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अब इसे निकाल लेते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, इसको आप ग्रीन अनियन है इसके साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़े की लगेगी। हमारी मज़ेदार सी आलू अंडे की भुजिया तैयार है, बहुत मज़े की बनी है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और चलते चलते आखिरी बात, खुश रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।